वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, मेरे साथ राम्या है। राम्या, क्या एज बताई थी आपने? 21। ये एक म्यूजिक स्टूडेंट भी है और म्यूजिक टीचर भी है, और ये मंडे को राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश की थी। और क्या हुआ वो आप बताओ आके, और यहाँ कैसे आए? उससे पहले मेरे को बहुत माइनर बैक पेन था, बट राफ्टिंग के बाद, लाइक उधर से उतरने के बाद ही इतना तेज होता है ना, पिंचिंग वाला पेन होता है, ऐसे पूरी स्पाइन में इधर नीचे और लेग में भी आ रहा था। और यहाँ पे भी साइड में भी था, बैक के इधर लेफ्ट साइड था सिर्फ। था ना? हाँ। तो कितने किलोमीटर आपने राफ्टिंग की थी? आई थिंक 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर राफ्टिंग करने में कितना, आधा घंटा ही लगा होगा? हाँ, लगभग। और वो आप तो वाटर के फ्लो के साथ जा रहे थे, तब इतना चलाने से स्ट्रेस आ गया है ना, और जिसने नहीं चलाया होगा उसको नहीं हुआ होगा है ना? तो ये राफ्टिंग बहुत बड़ी कोर की एक्सरसाइज होती है, जो भी हम जिम में भी रोइंग करते हैं ना, तो वो बेसिकली हम वही एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो बैक स्ट्रांग होती है, कार्डियक एक्टिविटी होती है, और हमारी मसल्स अगर तैयार नहीं हो, वीक हो उस मूवमेंट के लिए, तो फिर ये सारी दिक्कतें हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं मसल सोरनेस। जब मसल फटीक हो जाती है तो आपको पेन देगी, ताकि आप उस मसल को नहीं चलाओ, है ना। और इसको हम बोलते हैं डोम्स, यानी कि डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस। जनरली अगर आपने दिन में की है तो शाम तक आते आते ज्यादा बढ़ती जाएगी, और अर्ली मॉर्निंग यानी ट्यूजडे मॉर्निंग को आपको सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मैं होता उस वक्त, उस शाम को मैं थोड़ी बहुत मसाज ही करता है ना, और कुछ नहीं करता, और आपको बोलता मैं एक्सरसाइज करते रहो, हाथ चलाते रहो, आप कुछ भी नहीं कर सकते अगले 2 दिन तक, क्योंकि वो टाइम लेगा ही लेगा। और उस 2 दिन में जो भी आपने किया होगा, अब ग्रेजुअली उसके बाद थेरेपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब मसल और बैक स्टिफ होना चालू हो गया। अच्छा। अगर आप नेक्स्ट वीक तक आते हैं, वेट करते ठीक होने का, तो ये बैक बहुत ज्यादा पहले से ज्यादा स्टिफ हो जाते है ना। तो स्पैज़म को जितनी जल्दी आप ठीक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्पैज़म होता है तो अपने आप चला जाता है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं व्यूअर्स को जल्दी से एडजस्टमेंट दिखाऊंगा, और मैं फिर आपका रिव्यू लूंगा। आपने कराया एडजस्टमेंट पहले? हाँ, एक बार किया था, उल्टा लेटना है इसे स्टमक पर। इसको मोड़ लेंगे। रिलैक्स, इजी, ब्रीथ आउट उस तरफ। Fantastic. See that? देखो, फील करो कैसा लग रहा है। ऑलरेडी थोड़ा रिलैक्स हो गया, लग गया है। देख लो मूव ऑफ करके। मेरी ये लेफ्ट साइड ऐसे हो गई थी, इधर नहीं हो पा रहा था, बहुत स्ट्रेन पड़ रहा था, अभी हो रहा है। ये बेटर? या वेरी गुड। सो व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे? अजय जी, कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर प्रॉब्लम है तो टाइम से ट्रीटमेंट ले लो, अगर नहीं होता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एंड ट्रीटमेंट अगर ठीक रहेगा तो हो ही जाएगा। हाँ, यानी कि ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट अगर किसी की ऑलरेडी बैक पहले से स्टिफ थी, टाइट थी, और कुछ ऐसा हो जाए तो वो पहले से ज्यादा स्टिफ और टाइट कर सकता है। सो व्यूअर्स, जो आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, या जो लोग वीडियो को देख के नेक्स्ट वीडियो पे चले जाते हैं और चैनल को लाइक और शेयर नहीं करते, तो प्लीज मेक श्योर टू डू द लाइक एंड शेयर, ताकि वी कैन गिव यू मोर एंड मोर वीडियोस, मोर रिलेवेंट कंटेंट। That's it. And please follow us on Instagram as well.
and do make sure to hit the like icon. You can ask me any comments in the comment section and I'll be there to answer it. Thanks for watching this video. Keep helping us, keep watching it. Thank you.